दोस्तों, अगर हम आजादी से पहले के समय की बात करें तो उस दौर में ना तो कोई राष्ट्रपति और ना ही कोई प्रधानमंत्री था, बल्कि उस वक्त वजूद था तो राजाओं और महाराजाओं का, जो कि अपने राज्य में अपने खुद के कानून बनाते और उसी पर शासन करके अपना राज्य चलाते। और यही वजह थी कि आजादी के बाद पूरे 565 राजा अपनी सियासत को एक अलग देश घोषित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत को उसके 565 टुकड़े होने से बचाने के लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो प्रतिभाशाली नेता और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम वल्लभ भाई पटेल की पूरी लाइफ स्टोरी और उनके याद में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 1875 से, जब गुजरात के नाडियाड में वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम झाराव भाई पटेल और माँ का नाम लाडबाई था। और बताया जाता है कि वल्लभ भाई पटेल शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद ही अच्छे थे। उन्होंने अपने गांव से ही शुरुआती पढ़ाई की और फिर बोरसद नाम के जगह पर स्थित एक स्कूल से उन्होंने 22 साल की उम्र में मैट्रिक की एग्जामिनेशन पास कर ली। हालांकि शुरुआती दौर में वल्लभ भाई पटेल के परिवार वाले उन्हें एक गैर जिम्मेदार लड़का मानते थे, लेकिन इन तानों से परेशान होकर वल्लभ भाई पटेल ने खुद से एक वादा कर डाला कि आगे चलकर वह एक बड़े आदमी बनेंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की और थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद से इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। और इस तरह से पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद वह एक काबिल बैरिस्टर बनकर सबके सामने आए। हालांकि इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान वल्लभ भाई के सामने एक समय पैसों की इतनी तंगी आ गई थी कि उनके पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों से किताब उधार लेकर उन्होंने पढ़ाई की और इन्हीं संघर्ष और मेहनत का ही नतीजा था कि उन्होंने महज 2 साल में ही परीक्षा पास कर ली। और फिर लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद से वल्लभ भाई पटेल जब भारत वापस आए तब उनके माता पिता ने उनकी शादी झावेरबा नाम की लड़की से करवा दी। और फिर वल्लभ भाई अपने वाइफ के साथ गोधरा नाम की जगह पर जाकर बस गए और उन्होंने वहां पर कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिया। और फिर आगे चलकर उनके 2 बच्चे भी हुए, जिनमें लड़के का नाम दहा भाई और लड़की का नाम मणिबहन रखा गया। और वकालत करके एक अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंच जाने के बाद से उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया। हालांकि वल्लभ भाई पटेल समाज में फैली हुई कुरीतियों से बहुत ही दुखी थे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वह राजनीति में जाना चाहते थे। और फिर इसी कड़ी में वह 1917 के समय अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर के पद के लिए चुनाव लड़े और जीते भी। हालांकि समाज सुधार के विषयों पर उनके विचार और ब्रिटिश अफसरों के विचार मेल नहीं खाया करते थे और यही वजह थी कि वल्लभ भाई पटेल की रुचि राजनीति में कम होने लगी। लेकिन 1917 में ही महात्मा गांधी के साथ एक मीटिंग के दौरान वल्लभ भाई पटेल उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और फिर वह भी भारत की आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए। और फिर आगे चलकर वल्लभ भाई को इंडियन नेशनल कांग्रेस में गुजरात सभा का सेक्रेटरी बनाया गया। और फिर यहाँ से पूरी ताकत के साथ वल्लभ भाई भारत की आज़ादी के जंग में कूद पड़े। उस समय अंग्रेजों के द्वारा हो रहे जुल्मों से भारतीय बहुत ही परेशान थे और ऐसा ही एक मंजर गुजरात में भी देखने को मिला, जहाँ पर सूखा पड़ जाने की वजह से लोगों को भूखे मरना पड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने कर वसूलने में कोई भी कमी नहीं की और अब किसानों का यह दुख वल्लभ भाई पटेल जी से देखा नहीं गया और वो किसानों के समर्थन में उनके साथ खड़े हो गए। और कहा जाता है कि एक समय सूट बूट में रहने वाले वल्लभ भाई पटेल अब विदेशी कपड़ों को त्याग कर देशी पोशाक अपना लिए थे। और फिर उन्हीं के तरह ही हजारों देशभक्तों की कोशिशों ने रंग लाया और 1947 में भारत आज़ाद हो गया। और फिर आज़ादी के बाद से भारत के बहुत सारे लोग चाहते थे कि वल्लभ भाई पटेल ही पहले प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने इस पद से खुद को दूर रखना ही ज़्यादा सही समझा और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। हालांकि वह पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन गए और इस पद पर रहते हुए उनकी पहली प्राथमिकता थी कि वह 565 सियासतों को एक साथ लेकर आएं और वो भी बिना किसी विवाद के। हालांकि यह आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मजबूत इरादों के बलबूते वल्लभ भाई ने सभी राजाओं को समझाया और एक साथ लेकर आए और इस तरह से उन्होंने भारत के टुकड़े होने से बचा लिया। और अपने मजबूत हौसलों की वजह से वल्लभ भाई को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाने लगा। साथ ही हर काम में सबसे आगे रहने की वजह से उन्हें सरदार का नाम तो पहले ही दिया जा चुका था। हालांकि आखिरकार लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते वल्लभ भाई जिंदगी की जंग हार गए और 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे के बिरला हाउस में दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया।
हालांकि उनकी याद में भारत सरकार ने 2014 में ऐलान किया कि उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह अमेरिका के फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी करीब करीब दो गुना है। इसके अलावा दुनिया के 5 सबसे बड़े प्रतिमाओं की लिस्ट भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान पूरा भारत कभी भी नहीं भूल सकता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वल्लभ भाई पटेल की यह इंटरेस्टिंग जानकारियाँ भी जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।